डर स्टूडेंट्स वेलकम टू दैक्चर सीरीज ऑन केमिकल बॉन्डिंग एंड दिस इज पार्ट वन वेर यू विल सी अबाउट दी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग की इस सीरीज में जहां पर हम पार्ट वन डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली यहां पर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस करेंगे जिसमें हम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की जो ये सीरीज है लेक्चर्स की वहां पर हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सो वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड ओके एंड एज यू नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आपने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड पढ़े होंगे आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड कोवलैंड बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड देन मेटेलिक बॉन्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक इंटरेक्शंस लाइक वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस सो अमंग दीज आई विल डिस्कस अबाउट ओनली दी आयनिक बॉन्ड एंड कोवलैंड बॉन्ड तो इन बॉन्ड्स में से हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड तो यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि बॉन्डिंग जो नॉन मेटल्स में होती है स्पेशली तो नॉन मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो कई तरीके की हो सकती है एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी अदर टाइप्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स ये डिपेंड करता है कि जो दूसरे बॉन्डेड एटम्स हैं वो कौन से हैं सो इफ विल सी द आयनिक बॉन्ड दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड सो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड इज सिंपली एन इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड मेटल नॉन मेटल इज यूजली एन एनायन एंड ए मेटल इज अटाइन तो ये किन के बीच में बच्चों बनता है आयनिक बॉन्ड ये किसके बीच में बन रहा है एक तो है नॉन मेटल और दूसरा है मेटल ओके okay? अब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा देखिए ये मेटल है सोडियम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है सो इट इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है सो इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जब ये मेटल से करता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं और ये जो अट्रैक्शन है इसकी वजह से बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और जो नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक है बहुत गैप है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो इसकी वजह से अपॉजिटिवली चार्ज आयन क्रिएट हो रहे हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल

दी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स तो आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है तो आयनिक बॉन्ड क्या है इट इज स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड वेल पैकिंग यहां पर क्या होगा क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आप देख रहे हैं आयन्स अरेन्ज है एक स्पेशल पैकिंग इनका पैटर्न है तो ये यहां पर क्या होती है स्ट्रांग बाइंडिंग होती है आयंस के बीच में और अगर स्ट्रांग बाइंडिंग होगी तो उनका बॉइलिंग प्वाइंट एंड मेल्टिंग प्वाइंट बहुत हाई होगा ओके okay? ंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी हाई जनरली इन ड्राई स्टेट द आयनिक कम्पाउंडस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो अगर ड्राई स्टेट में हम इन्हें लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करेंगे लेकिन अगर हम सोल्यूशन लेंगे या फिर मोल्टन स्टेट में हम इसको लेंगे तो यहाँ पर ही क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं Okay. तो और अगर ये आयनिक है इनमें आयंस की फॉर्म में ये है तो दे आर आ, दे कैन बी डिस इन पोलर सोल्वेंट्स ये किस में खुल जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में आसानी से खुलते हैं तो ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं अब हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या है ये भी एक तरीके का केमिकल बॉन्ड है जहां पर आप देखेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स तो यहाँ पर कैसे बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है नॉन मेटल्स के बीच में ओके okay. तो ये देखिए यहां पर एक न्यूक्लियस है नॉन मेटल का ये दूसरे नॉन मेटल का न्यूक्लियस है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन न्यूक्लियस के बीच में होते हैं जिससे कि ये दो तो न्यूक्लियस इजीली बाइंड हो जाए क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में भी क्या होगा नहीं तो रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच में है इसलिए ये आसानी से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है अब अगर आप यहां पर देखेंगे ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये सिंगल हो सकता है डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा कि कैसा बॉन्ड बने तो देखिए यहां पर मीथेन है मीथेन में कार्बन और एच के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने दो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा अगर हम ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू को देखें तो यहां पर दो चार इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो कैसा बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसी है छह इलेक्ट्रॉन्स की तो यहां पर कैसा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड तो ये जो बॉन्ड है वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं इन नॉन मेटल्स के बीच में ओके दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड चार इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग डबल बॉन्ड एंड तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड अब हम एक डिफरेंट टाइप के बॉन्ड की बात कर रहे हैं जिसका नेचर इन बिटवीन आयनिक एंड कोविलेंट बॉन्ड है और उस बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोविलेंट बॉन्ड पोलर कोविलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको हम पहले देखें देखिए अगर मैं अभी हमने डिस्कस किया था एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक होता है सो मेटल कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दस ये जो नॉन मेटल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड ये कैसा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है ओके okay? अब अगर हम बात करें दो ऐसे एटम्स की जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम डिफरेंस है तो यहां पर जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और हाइड्रोजन की कम है लेकिन डिफरेंस बहुत कम है तो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को बीच में होना चाहिए था जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर था वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अट्रैक्ट कर लेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा इस तरीके से आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी ओर चला जाएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी ओर को चला जाएगा तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस एटम के ऊपर जो की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जहां से हो रही है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहां पर बॉन्ड तो कोवलेंट है बट ये कैसा बॉन्ड है इट इज पोलर क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर तो है लेकिन इसकी शिफ्टिंग हो गई टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया जो, जो दूसरा एटम है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया इस इस तरीके से आप देखेंगे ना तो ये प्योरली आयनिक है ना ही ये प्योरली कोवलेंट है इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड और इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं डाइपोल ये डाइपोल होते हैं जिनमें दो पोल होते हैं चार्ज सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं डाइपोल कहते हैं और ये क्या कहलाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है ओके और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी पोलैरिटी इस बॉन्ड की बढ़ती जाएगी और फाइनली आप देखेंगे जब भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो फिर ये परमानेंटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ओके और इसमें जो हमने तीसरी कैटेगरी पढ़ी थी अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सी है अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड देखेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो बीच में ही मौजूद होगा इन दोनों के तो ये जो बॉन्ड है ये कोविलेंट है ओके अब आप आई थिंक आप डिफरेंस कर सकते हैं ये कोविलेंट बॉन्ड है और ये पोल ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और ये कैसा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है इस तरीके से तीन तरीके के बॉन्ड आपने देखे पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग हो सकती है नाउ विथ दी हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी डिफरेंस बिट्वीन पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल तो यहाँ पर आप पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल के बीच में डिफरेंस भी देख सकते हैं देखिये यहाँ पर एच टू मोलिक्यूल में अगर हम बॉन्ड देखे किस तरीके का बॉन्ड है तो एक ओ है और एक एच है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है लेकिन अगर आप इसका शेप देखेंगे तो शेप में की वजह से आप देखेंगे कि चार्ज सेपरेशन अच्छा खासा हो रहा है यहां पर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है सेपरेटेड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है स्लाइटली तो ये किस तरीके का बॉन्ड हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसमें होगा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा एक डाइपोल होगा नाउ सी द केस ऑफ सीएच फोर अब सीएच फोर का केस देखें यहां पर चार सीएच बॉन्ड है हालांकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस नहीं है तो इसलिए यह क्या बनेगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो यहां पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि सी और एच के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अधिक डिफरेंस नहीं होता है अब हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का केस कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो चार्ज सेपरेशन भी होगा कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है पोलैरिटी तो जनरेट हो लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसा है सिमेट्रिकल तो यहां पर जो पोलैरिटी जनरेट होगी एक साइड वैसी ही पोलैरिटी दूसरी साइड भी जनरेट होगी तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो पोलैरिटी यहां पर जनरेट होगी और यहां पर जो पोलैरिटी जनरेट होगी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें तो डिफरेंस है बट द मॉलिक्यूल ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो इन डिफरेंट ज्योमेट्रीज में आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्री जहां पर चार्ज सेपरेशन दिखाई दे रहा है बेंट शेप है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी uh, में डिफरेंस है यहां पर आप देखेंगे कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा ड्यू टू सिमिट्री सिमिट्री की वजह से और ये जो सी एच फोर है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों की कार्बन uh, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस नहीं है इसलिए ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होगा ओके okay? इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ओके नाउ वी विल कंक्लूड द लेक्चर हम इसने हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में जहां पर हमने पढ़ा कि एक मेटल जो कि केटाइन में कन्वर्ट हो सकता है जब ये एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा अट्रैक्शन होगा और ये बॉन्ड क्या होगा आयनिक बॉन्ड होगा दूसरा बॉन्ड आपने देखा कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर शेयर्ड इन बिटवीन टू न्यूक्लियस दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और ये शेयरिंग अगर दो इलेक्ट्रॉन की होती तो सिंगल बॉन्ड होता है दो तो चार इलेक्ट्रॉन्स की होगी तो डबल बॉन्ड छह इलेक्ट्रॉन्स की होगी तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें बनेगा और जब बॉन्डिंग दो ऐसे एटम्स के बीच में होगी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में ए, कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर उस ओर शिफ्ट हो जाएगा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है बट कम है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है अधिक है तो इस तरीके का बॉन्ड क्या कहलाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड यू कैन डिफरेंशिएट अमंग द डिफरेंट ज्योमेट्रीज हम डिफरेंट ज्योमेट्रीज के बीच में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं अगर ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है और वहां पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो ये जो बॉन्ड होगा वो आ, कैसा होगा ये मोलिक्यूल तो नॉन पोलर होगा हालांकि जो बॉन्ड है वो पोलर होगा जो जो बॉन्ड है वो पोलर होगा पोलर कोवलेंट होगा लेकिन ये मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर होगा ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है कोवलेंट बॉन्ड भी नॉन पोलर है जबकि एच टू ओ केस में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है बट मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल जिसको हम डाइपोल भी कहते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड Yani, that is well as one theory of hitler and london okay so thank you very much